अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत अबू अल-दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ कुछ लोग अपनी ख़बरों से आएंगे और उनके चेहरे नूर से जगमगा रहे होंगे। वह मोतियों के मेंबरों पर बिठाए जाएंगे, लोग उनकी शान पर रश्क करेंगे। यह लोग न नबी होंगे न शहीद। एक बर्रवी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, यह कौन लोग हैं, हमें इनकी पहचान बताइए। फरमाया, यह वह लोग हैं जो आपस में खुदा के खातिर मोहब्बत करते हैं। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला का इरशाद है, मुझ पर वाजिब है कि मैं उन लोगों से मोहब्बत करूं जो लोग मेरे खातिर आपस में मोहब्बत और दोस्ती करते हैं और मेरा ज़िक्र करने के लिए एक जगह जमा होकर बैठते हैं और मेरी मोहब्बत के सबब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और मेरी खुशनुदगी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।